हाजीपुर के कोन्हारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो नजारा देखने को मिलता है वो काफी भयावह होता है। मान्यता है कि इस दिन यहाँ भूत प्रेतों का मेला लगता है। कोन्हारा घाट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा नजारा आम होता है। 26-27 नवंबर को भी यही नजारा देखने को मिला। कोन्हारा समेत दर्जनों घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भूतों का मेला देखने को मिला। यहाँ जिले के कोने कोने से लोग आए थे, साथ ही अन्य राज्यों से भी तांत्रिक और भूत प्रेत में यकीन रखने वाले लोगों का जमावड़ा लगा था। अब इसे अंधविश्वास कहिए या आस्था, लेकिन रात भर यहाँ शमशान में तांत्रिक विधि से पूजा चलती रही। इस दौरान क्या महिला क्या पुरुष यहाँ सब दिखे। कई जगहों पर महिलाओं के बाल पकड़कर जबरन झकझोरने की तस्वीर देखी गई। यहाँ तक कि नदी में स्नान के दौरान भी भूत खिलाने का खेल चलता रहा। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे कि जिला प्रशासन को भी रात भर अलर्ट मोड में रहना पड़ा। वैशाली डीएम यशपाल मीणा, एसपी रविकांत कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी नदी किनारे मौजूद थे। बावजूद इसके भूतों का मेला बदस्तूर जारी रहा। तंत्र साधना कर रहे तांत्रिक रंजीत भगत ने क्या बताया वो सुनिए। ये माँ तारा की पूजा होता है यहाँ पर, बाबा मसान का, ठीक है, और हम लोग महाकाली मच्छिन काली का पूजा करते माँ तारा के साथ, ठीक है। यहाँ पर खप्पर वगैरह जो भी कुछ होता है माथा पे, सर पे, पेट पे, जहाँ पे बोलिएगा वहाँ पे रख देंगे। कुछ भी ना होगा, सिर्फ घी होना चाहिए और बत्ती होना चाहिए और वगैरह बहुत सारा हम काला जानते हैं। शमशान में सबके पास जिस आदमी को बोलेगा उस आदमी के हाथ पे कर देंगे। ये सब आप रूपी हम जाने, हमको कोई जानकारी नहीं दिया है, कोई गुरु नहीं। ये हम कर रहे हैं 15-16 बरस से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं 6-7 बरस से जी। आसाम कमच्छा जी रहते थे। यहाँ खासियत है माँ तारा के भक्ति करने के लिए आते हैं, पुण्य होता है, जो भी चाहते हैं वो हो जाता है। लोगों को क्या ठीक होगा, जो बोल दे वो ठीक हो गया, ना हुआ तो एक टिक्स भी ना लेते हैं कि हो जाएगा आपसे। कुछ भी पैसा नहीं, फ्री सेवा, जब भी आइए फ्री सेवा होगा। मुजफ्फरपुर थाना सकरा चंदन पट्टी गाँव, मेरा नाम हुआ रंजीत भगत। रंजीत भगत जी, आपको डर नहीं लगता है? नहीं सर जी, डर क्या चीज का लगेगा, हम कोई जाली फरोश किसी से पैसा कौड़ी तो नहीं लेते। दिन में भी लोग शमशान में आने से नहीं, कोई डर भय नहीं है, रात दिन जहाँ भी हो जैसा भी हो वहाँ पहुँच जाएंगे। शमशान में क्यों आज नहीं, अलग नहीं हो पाएगा, ये शमशान सिद्धि है, अघोरी शमशान सिद्धि करता है जी जी जी। अभी तक कितने लोगों को फायदा पहुंचाते ना बेसी, कितना लोगों, कितना चेला को सिखा दिए यहाँ पर, तो अभी 10 चेला है जिसको हमने ट्रेंड करने लाए। तो क्या क्या चीज ठीक होता है? इससे जो भी है जादू टोना वगैरह के जो भी है उसका हेड मास्टर, भूत वगैरह क्या, वो एक अंधविश्वास है, लेकिन आपका हमारा बोली लग जाएगा तो ठीक हो गया, नहीं तो नहीं लगेगा। यही बात, बीमारी है तो बीमारी का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, डॉक्टर के पास है। डॉक्टर नाम बताइएगा? मेरा नाम हुआ रंजीत। चूंकि आस्था के मामले के चलते प्रशासन के हाथ भी बंधे होते हैं, अंधविश्वास के इस खेल के दौरान तांत्रिकों के बीच लोग तमाशबीन बनकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। कहा जाता है कि इन इलाकों में सदियों से ये मेला लगता आ रहा है। हालांकि NBT ऑनलाइन ऐसी किसी भी पूजा, इबादत या अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है।